बांटो और राज करो अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान पैदा हुआ। तभी से पाकिस्तान के सत्ताधीशों ने मान लिया कि राज करने का फॉर्मूला यही है कि दो गुटों को आपस में लड़ाते रहो। पाकिस्तान की सत्ता पर पंजाबी भाषा बोलने वालों का दबदबा था, जिन्होंने पहले बंगालियों पर जुल्म ढाया, फिर सिंधी भाषा बोलने वाले शिकार हुए। बलोच और पश्तून के साथ भी यही सलूक हुआ। इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? पाकिस्तान के लोग ही उसके टुकड़े टुकड़े करने की जिद ठान चुके हैं। अपने ही पाप के बोझ से पाकिस्तान कितने हिस्से में टूटने की कगार पर है, इसी पर हमारी टेली सीरीज कटार पाकिस्तान इन पेरिल, जिसके पहले एपिसोड में देखिए सिंधु देश अ डिसाइसिव अपराइजिंग। 28 जनवरी 1933, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। लंदन में गोलमेज सम्मेलन से लौट रहे नेताओं का सामना एक पैम्फलेट से हुआ, जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पंजाबी गुजर मुस्लिम समुदाय के छात्र चौधरी रहमत अली ने वो पैम्फलेट लिखा था, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और कश्मीर को मिलाकर पाकिस्तान के नाम से सिर्फ मुसलमानों का नया देश बनाने की मांग की गई थी। पाकिस्तान, ये नाम लोगों ने पहली बार उसी पैम्फलेट में पढ़ा था। 6 साल बाद मार्च 1939, मस्जिद मंजिलगाह, सुकर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कराची से लगभग 450 किलोमीटर उत्तर सुकर शहर में मुस्लिम संगठनों के नेताओं का जलसा था। मुस्लिम संगठन चाहते थे कि सिंध की सरकार ऐतिहासिक और पुरानी मस्जिद का निर्माण कराए। सिंध की सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि दूसरे धर्मों के लोग भी ऐसी मांग करने लगते। उस दिन सुकर की उस बैठक में मुस्लिम नेताओं ने ऐलान कर दिया कि सिंध प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। सिंध प्रांत की असेंबली में तब गुलाम मुर्तजा सईद नाम के एक सदस्य हुआ करते थे, जिन्होंने सदन में ये धमकी दे डाली कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध प्रांत से हिंदुओं को उसी तरह बाहर खदेड़ा जाएगा जैसे हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को खदेड़ा है। जीएम सईद के नाम से मशहूर ये नेता बहुत पढ़े लिखे सिंधी मुसलमान थे, सिंधी भाषा बोलने वाले मुसलमान। 8 साल बाद 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान बनने पर खुश होने वालों में सिंध प्रांत के जीएम सईद भी शामिल थे। लेकिन कुछ ही साल बाद जीएम सईद को समझ में आ गया कि वो और उनके जैसे करोड़ों सिंधी ठगे जा चुके हैं, जिन्हें आजादी के नाम पर पाकिस्तान के पंजाबी मुस्लिमों ने अपना गुलाम बना लिया है। इसके खिलाफ आवाज उठाने पर जीएम सईद को 1948 में बंदी बना लिया गया। 24 साल बाद मार्च 1972, सन जमशोरो, सिंध प्रांत। बंगाली बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करके अपना खुद का देश बांग्लादेश बना लिया था। सिंध प्रांत के सिंधियों की हालत भी बंगाली मुसलमानों जैसी ही थी। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों के अत्याचार से तंग आ चुके जीएम सईद ने ऐलान कर दिया कि सिंधियों को भी अपना आजाद मुल्क चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया सिंधु देश। उस वक्त पाकिस्तान की कमान संभाल रहे जुल्फिकार अली भुट्टो भी सिंधी मुसलमान ही थे, जिन्हें जीएम सईद ने पाकिस्तान की सेना और सत्ता में दबदबा रखने वाले पंजाबी मुस्लिमों का मोहरा बताया। बदले में जीएम सईद को गद्दार घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी बात सिंध प्रांत के लोगों को समझ में आ चुकी थी, लिहाजा सिंध प्रांत को सिंधु देश बनाने का आंदोलन तेज होता गया। साल 1995 में जीएम सईद का निधन हो गया, लेकिन इससे सिंधु देश आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि जीए सिंध महाज के साथ सिंध प्रांत के ज्यादातर संगठनों ने हाथ मिला लिया।
साल 2010 में सिंधु देश बनाने के लिए कुछ सिंधी युवाओं ने सिंधु देश लिबरेशन आर्मी बनाकर हथियार भी उठा लिया, जिनका पहला धमाका ही बेहद जोरदार था। 9 मई 2012 सिंध प्रांत पाकिस्तान। कराची, हैदराबाद, लरकाना, सुक्कर, सिंध प्रांत के लगभग हर बड़े शहर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाखाओं और एटीएम पर एक के बाद एक धमाके हुए। ये सिंधु देश लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के खिलाफ जंगे आजादी का ऐलान था। इन धमाकों में जानबूझकर ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया कि इसमें किसी की जान ना जाए। 16 दिन बाद 25 मई 2012 नवाबशाह, सिंध प्रांत पाकिस्तान। कराची से लगभग 300 किलोमीटर दूर सिंध के नवाबशाह में कुछ बंदूकधारियों ने एक बस रोकी और एक एक करके 8 लोगों को गोली मार दी। गोली उन्हीं लोगों को मारी गई जो गैर सिंधी थे। ये काम भी सिंधु देश लिबरेशन आर्मी का ही था, जो पाकिस्तान की सरकार को ये संदेश देना चाहती थी कि वो आजादी के लिए मौत का खेल खेलने के लिए भी तैयार है। एक तरफ सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ने सिंध को आजाद कराने के लिए गोली और बम का इस्तेमाल बढ़ाया, तो दूसरी ओर जीए सिंध महास के बैनर तले सिंध प्रांत में आंदोलन तेज हो गया। सिंधु देश के लिए आंदोलन की बुनियाद रखने वाले जीएम सईद के जन्मदिन पर पिछले 20 साल से जुलूस निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने रेंजर्स की बंदूकों से सिंधियों को डराने की कोशिश भी की, लेकिन सब बेअसर। 17 जनवरी 2019 सन जमशोरो, सिंध प्रांत। जीए सिंध कौमी महास के जुलूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर देखकर पाकिस्तान सरकार के होश उड़ गए। पहली बार सिंधु देश के नेताओं ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी लताड़ा और ऐलान कर दिया कि वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपना भी पूरा नहीं होने देंगे। उस दिन पहली बार पाकिस्तान के नेताओं को डर लगा कि बांग्लादेश की तरह सिंधु देश भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। साल 2020 में सिंधु देश आंदोलन में एक और शख्स की एंट्री हुई, जिसका नाम है अल्ताफ हुसैन। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन सिंध प्रांत में दबदबा रखने वाले मुहाजिरों यानी बंटवारे के बाद बिहार से पलायन करने वाले मुसलमानों के नेता हैं। सिंध प्रांत में 1980 के दशक से ही मुहाजिरों और सिंधियों के बीच भयानक टकराव चल रहा था। माना जाता है कि मुहाजिरों को पाकिस्तान की सरकार ने ही सिंधियों के खिलाफ खड़ा किया, ताकि सिंधु देश आंदोलन को कमजोर किया जा सके। लेकिन अब अल्ताफ भी सभी सिंधी भाषी लोगों के साथ हैं।